सम्मेलन का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में विभूति खंड की इंटरनेट प्रदाता कंपनी केबल कॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने इस कार्यक्रम के लिए वाईफाई की सुविधा दी है। वहीं इस दौरान नेटवर्किंग की जानकारी देते हुए केबल कॉम कंपनी के निर्देशक अरिजीत पांडा ने कहा कि समारोह में 1500 Mbps की स्पीड को सुचारुता से दिया गया है, और जबकि इस बारे में जानकारी देते हुए महाप्रबंधक विकास मिश्रा ने कहा कि केबल कॉम कंपनी ने पहले भी यूपी सरकार के कई प्रोजेक्ट्स में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की है। और केबल कॉम कंपनी के निर्देशक अरिजीत पांडा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से उन्होंने अभी तक सरकारी कामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो अभी तक का सफर कैसा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो जिस तरह से आपने अहम भूमिका निभाई है सरकार के काम में, अपनी कंपनी का जो सहयोग दिया है, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोगों को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला, प्राइम टीवी को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला, तो उन्होंने भी हमारे काम को सराहा। लोगों ने पहले भी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हम विगत 15 दिनों से हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है और पूरा वाईफाई और नेटवर्किंग का काम हमें मिला है। और अभी जैसे आपने देखा होगा, ये मोदी जी का पूरा वीडियो स्ट्रीमिंग और वहां पे जितने भी उद्योगपति थे उनका वाईफाई, वो सारा कुछ हमारे इंटरनेट के थ्रू सुचारू रूप से दिया गया है। तो जिस तरह से इस वक्त बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां हैं, लेकिन आपको चुना गया है, तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है वो आसान नहीं होता है, एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, लेकिन आपने, आपकी कंपनी ने सफलतापूर्वक इस टास्क को पूरा किया है, कितना चैलेंजिंग रहा? जी, चैलेंजिंग मतलब हम लोग एक्चुअली पहले से ही ऐसे प्रोजेक्ट्स काफी किए हुए हैं। पहले भी डिफेंस एक्सपो जब हुआ था, जो कि बहुत बड़ा इवेंट था, वहां पे बाहर से बहुत इंटरनेशनल गेस्ट इन्वेस्टर्स आए हुए थे, वहां पे भी हम लोगों ने किया हुआ है। हम लोगों ने काफी जगह पे वाईफाई प्रोजेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है। अनडाउटेबली कंपटीशंस तो है, कंपटीशंस तो हमेशा रहेगा, बट आपको क्वालिटी पे फोकस करना होता है, कस्टमर प्रेफरेंसेस पे फोकस करना होता है, तो वो हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है। तो इसी हिसाब से हम, हमारे प्रोफेशनल टीम के हिसाब से, वो काम को हम लोगों ने बड़े अच्छे से कर लिया और यही हम करते रहते हैं। जी, इस वक्त नेटवर्क और वाईफाई बहुत जरूरी हो गया है आम जीवन में, इंसान की एक अहम जरूरत बन गया है। और जिस तरह से आज एक अहम बड़ा कार्यक्रम था, उस बीच आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो इसकी जरूरत है उसको कैसे पूरा कर रहे हैं आप, और किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? क्योंकि चैलेंज बहुत रहते हैं, हर फील्ड में रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो नेटवर्क की सर्विस है, अच्छी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कराना कितना जरूरी है आपके लिए भी? जी, बहुत जरूरी है। जैसे आपने अभी इवेंट देखा, ये पूरा लाइव स्ट्रीमिंग हुआ, ये इंटरनेट के माध्यम से हुआ। इंटरनेट आज के डेट पे एक नेसेसिटी बन गई है हर किसी, आप OTT सर्विसेज देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, कहीं भी मोबाइल के थ्रू आप, इंटरनेट के थ्रू आप कहीं से भी आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज हो गई है, और इसको सुचारू रूप से करने के लिए आपको अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं। जैसे हम बड़े बड़े OEMs जैसे सिस्को, हुआवे और तमाम कंपनीज, वेंडर कंपनीज, उनके हम इक्विपमेंट्स लगाते हैं, तो सो दैट आपको फॉल्टी चीजें ना मिले, आपको अच्छी स्पीड मिले, और हर ग्राहक को हम खुश करने के लिए उनके उसी हिसाब से हम प्रोसेस मेंटेन करते हैं। जी, तो केबल कॉम नेटवर्क ऐसे कौन से इस वक्त कदम उठा रहा है जो बिना रुके और अच्छी स्पीड के साथ नेटवर्क प्रोवाइड करा सकता अपने कस्टमर्स को? जी, हम लोग, हमारा जो मेजर फोकस है वो वाईफाई करने के लिए आपको अच्छे इक्विपमेंट, जैसे कि कुछ बड़े बड़े OEMs, आजकल स्पीड का, जैसे हाई स्पीड का जमाना है, और हाई स्पीड देंगे तभी आपकी स्ट्रीमिंग प्रॉपर हो पाएगी। तो वो उसी वजह से हम जितने इक्विपमेंट्स लगाते हैं और जो कनेक्टिविटी देते हैं
वो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज के हिसाब से देते हैं। जैसे मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि डिजिटल क्रांति लाने की जरूरत है, वो डिजिटल क्रांति वो लेके आए हैं जी। और वाकई आप देखेंगे तो इंटरनेट का जो यूज है आज 78 करोड़ लोगों तक इंटरनेट पहुंच चुका है। और वो जैसे सरकार का स्टेप रहा है कि इंटरनेट हर जगह पे पहुंचने के लिए एक वो डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं चीजों को, वो डिसेंट्रलाइज करने की वजह से हम लोगों को जो 20-20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं उन्होंने एक क्वालिटी फोकस दे के बड़े कस्टमर्स बड़े प्रोजेक्ट करने का सफलता रूप से करने का काम किया है जी। सर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को उठाया कि हमने पहले जब 2014 का समय था तो उस वक्त 1 GB डेटा 200 रुपए का मिलता था, लेकिन आज उसका मूल्य घट गया है, 212 रुपए का हो गया है, 200 से सीधा 12 रुपए का हो गया है, तो कहीं ना कहीं कमी आई है। तो क्या लगता है डाटा का जो हम लोग यूज करते हैं उसमें भी तो बढ़ोतरी हुई है, अब इस चीज को कैसे बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि पहले इसका रेट तो ज्यादा था लेकिन आज के समय में यूज ज्यादा है। कोरोना काल में प्रॉपर सबसे ज्यादा नेटवर्क का यूज किया गया, लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे तो सबसे ज्यादा यूज इंटरनेट का हो रहा है इस वक्त में, लेकिन जो चार्जेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को अच्छी सुविधा के साथ साथ सस्ते में मुहैया कराना ये एक बड़ा चैलेंज है कंपनीज के लिए, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें गवर्नमेंट का जो अभी फोकस है वो घर घर इंटरनेट पहुंचाना, वो भी रूरल इंडिया पे पहुंचाना। मतलब आप इतना बड़ा देश में, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इतने बड़े प्रदेश में हर गांव में इंटरनेट पहुंचाना, वो भी हाई स्पीड डाटा के साथ, इसलिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्टिविटी एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है। लेकिन हमारा क्या काम रहेगा अब इसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, तो इसलिए भी गवर्नमेंट की तरफ से एक और चीजें होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का टैक्सेशन कम होना चाहिए। जो जैसे हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज हैं उस पे ज्यादा लोड ना आए और सब्सक्राइबर को वो कम पैसे में सही चीजें दे पाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ केबल कॉम कंपनी के निर्देशक अरिजीत पांडा जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो स्मूथ इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, और आज जो थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी उसमें भी इन्हें मौका मिला अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का और कितना उत्साहित फील कर रहे थे। खबर मैनपुरी से है जहां अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही